सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सेंडर पॉइंट गेमर पर। तो गाइस, क्या आप भी मेरी तरह हर बार कस्टम मैच हार जाते हो, चाहे आप 1v4 खेलो या फिर 1v1, आपको हमेशा सामने वाला बंदा मारकर चला जाता है। तो गाइस, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, जिससे गाइस आप हमेशा 1v1 हो या फिर 1v2 हो या फिर 1v4 हो, आप हमेशा हर कस्टम रूम को, हर कस्टम मैच को जीत सकते हो। जी हां गाइस, आज के सीक्रेट ट्रिक को सुनने के बाद गाइस आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे, और मैं 100% बोल सकता हूं ये जो ट्रिक बताने वो किसी भी बंदे को नहीं पता है। तो गाइस, आप भी बिना मेहनत किए, बिना कुछ किए आप सिंपली कस्टम मैच को जीतना चाहते हो, तो यार ये वीडियो खास आप ही के लिए है। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हर बंदे के लिए, तो गाइस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फ्री फायर के ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए। सो लेट्स गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो अभी गाइस हम वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यार, जो ट्रिक है ना वो इतना अच्छा ट्रिक है, इतना अच्छा ट्रिक है कि आप इस ट्रिक के बारे में सुने ही नहीं होंगे। मतलब ये किसी भी बंदे को पता नहीं है, ये सिर्फ मुझे को पता है, क्योंकि यार ये जो ट्रिक है ना बहुत ही अलग ट्रिक है। इसमें आपको करना कुछ नहीं रहेगा, बस आप देखते ही देखते कस्टम जीत जाओगे। मतलब आपको ना ही फायर करना है, ना ही सेंसिटिविटी बढ़ानी है, ना ही बंदे को मारना है, बस आपको देखते रहना है। आप सोचो क्या ट्रिक हो सकता है, मतलब इतना बड़ा ट्रिक हो सकता है क्या। आपको प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, बस आपको चुपचाप बैठकर कस्टम मैच को देखना है, और आप इसलिए किसी भी कस्टम मैच को जीत सकते हो। मतलब बिना कुछ किए आप कस्टम मैच को जीत सकते हो। अभी आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि भाई ऐसा भी कोई ट्रिक हो सकता है, तो यार यहाँ पर मैं आपको ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए होगा क्या, जैसे आप कोई भी टूर्नामेंट खेलते हो, कोई भी कस्टम मैच खेलते हो, तो ज्यादातर बंदे तो ऐसे ही दोस्त के साथ खेलते हैं, मतलब इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाए तो बंदे वर्सेस करने के लिए खेलते हैं, मतलब एकदम जीतना है तो जीतना है। और कई बंदे पैसे लगाकर भी खेलते हैं, मतलब टूर्नामेंट या फिर कोई भी अलग अलग तरीके। तो यार इसमें मतलब जीतना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वैसे में अगर आपको खेलना नहीं आता तो समझ लो भाई आपका हारना है मेरी तरह। मतलब कि मैं भी हमेशा कस्टम मैच में हारता ही हूं, लेकिन अभी आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं, सामने चाहे कोई भी बंदा हो आप उसको बहुत ही इजी तरीके से मार सकते हो। अब देखिए हमारा ट्रिक ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है, आपको अपने दोस्त को खेलने के लिए बोलना है। मतलब कि आपका दोस्त पीसी प्लेयर भी हो सकता है, जितना अच्छा अपना दोस्त है मतलब बुला सकते हो। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा समझ गए होंगे कि आपको कुछ नहीं करना है, आपका दोस्त ही कस्टम मैच खेल के जिताएगा। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल कस्टम मैच की बात होती है, आप इंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं तो उसमें तो कुछ नहीं रहता, आप ऐसे ही खेल लेते हो। लेकिन जब बात पैसे की आती है या फिर कोई ऐसा अच्छा खासा टूर्नामेंट खेल रहे हो, मतलब कि दो चार दोस्त मिलकर एकदम खेल रहे हो और आपको जीतना ही है, मतलब घर बैठे खेल रहे हो और आपको जीतना ही है, तो सिचुएशन में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। तो इसमें आपको अपने दोस्त को खिलाना होगा, वो भी अपने आईडी से। तो ट्रिक अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखो यार इसमें क्या होता है कि दोस्त की कमी होती है, मतलब कि कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई मेरे पास अच्छा दोस्त नहीं है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त आपके घर में बैठे आपके साथ में खेले, तो ये तो कोई मतलब ट्रिक ही नहीं हुआ, ये तो कोई भी कर सकता है। मतलब आप अपने दोस्त को बुला लो, वहाँ पर बैठा कर खिला लो। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा फालतू ट्रिक नहीं बताने वाला, आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप किसी बंदे, मतलब किसी बाहर के बंदे को भी खेलने के लिए बोल सकते हो, वो भी अपनी आईडी से, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और अगर आपके पास फ्री फायर में कस्टम मैच खेलने के लिए दोस्त नहीं है, यार मतलब दोस्त की तो कमी नहीं यार फ्री फायर में, भाई कस्टम खेलने के लिए किसी को भी बोलो मतलब हाँ ही निकलती यार। मतलब कस्टम खेलने के लिए सभी के सभी बंदे तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे अपने दोस्त को बना लो जो पीसी प्लेयर हो, अच्छा प्लेयर हो, जो आपको हर बार कस्टम मैच जिता दे, और बाकी तो आप समझ ही रहोगे भाई कस्टम मैच जीतने के बाद हिस्सा आधा आधा वाला। तो अभी यहाँ पर देखिए आप दोस्तों की तो कमी होगी नहीं। अब यहाँ पर हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। तो ट्रिक जो कुछ ऐसा है कि देखिए आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्री फायर का कंट्रोल अपने दोस्त को दे देना है। मतलब जो भी दोस्त आपका बहुत अच्छा खेलता है, जिससे आप कस्टम मैच जितवाना चाहते हो, तो उसको अपना कंट्रोल देना है। अब कंट्रोल देना कैसे है, यहाँ पर बात आती है। तो देखो आपको बताता हूँ, जैसे फ्री फायर में आप किसी भी कस्टम मैच खेलोगे, कोई भी रूम खेलोगे, तो वहाँ पर जैसे कोई कस्टम मैच ज्वाइन हो रहे हो, तो वहाँ पर आप बीच में चेंज नहीं कर सकते, मतलब अपने दोस्त को कंट्रोल नहीं दे सकते, आपको गेम के अंदर ही ये करना होगा। मतलब ये जो प्रोसेस है इसमें इंटरनेट बीच में बंद हो जाता है, जिससे आप कुछ देर के लिए बॉट ही बन सकते हो। मतलब उतना भी लंबा टाइम नहीं लगता, इसमें 30 से 35 सेकंड तक लगता है, अगर इंटरनेट फास्ट है तो 25 सेकंड में ही हो जाएगा काम। अब देखिए यहाँ पर बात ये आती है कि करना कैसे है, ये बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, अपना जो मेन आईडी है, जिस भी आईडी में कस्टम मैच खेल रहे हो, जिसमें भी रूम ज्वाइन किए हो, उसका आईडी पासवर्ड अपने दोस्त को दे देना है और लॉगिन करने के लिए बोलना है। बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद जैसे ही आपका दोस्त जो आईडी पासवर्ड में लॉगिन करेगा, उसके बाद किस आपका जो मतलब फ्री फायर खेल रहे हो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और उसके में कंट्रोल चला जाएगा। मतलब वो खेल लेगा अपने फोन में, जहां भी आपका दोस्त मतलब बाहर में है या फिर फ्री फायर का दोस्त है, वो अपना मोबाइल कंप्यूटर जिसमें भी खेलना चाहता है खेल सकता है, बस लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद रिकनेक्ट हो जाता है। मतलब इसमें सोचने की बात ही नहीं है, जिस भी फोन में खेलना चाहते, जैसे कि अपने किसी बाहर के दोस्त को खेलने के लिए बोलना चाहते हो, तो वैसे मैं आईडी पासवर्ड दे देता हूं, गेम के बीच में ही कर रहा है। मतलब कि यहां पर दिक्कत यह रहेगी कि फ्री फायर का कंट्रोल अगर आप शुरू में ही अपने दोस्त को दे देते हो, तो वैसे मैं शुरू में मतलब बंदे कंफर्म करते हैं कि भाई आप ही हो या नहीं, मतलब कि इन ग्रुप में आपसे बात भी कर सकते हैं, और हो सकता है जैसे कस्टम रूम में ज्वाइन होते हैं तो वहां पर भी मतलब कंफर्म कर सकते हैं, तो उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे रूम स्टार्ट हो जाता है, मैच स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अगर आप चेंज करोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद जैसे अपने दोस्त को कंट्रोल दोगे किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मतलब कि आप क्या करना है, आपको 10-15 सेकंड के लिए किसी ऐसे सेफ जगह में चले जाना है जहाँ पर सामने वाला बंदा आपको ना मार सके, मतलब कोई मार ही ना सके, एकदम ग्लूहाल में चारों तरफ पैक कर लेना, अपने दोस्त को आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के लिए बोलना, उसके बाद गाइस वो आसानी से खेल सकता है, आपको कस्टम मैच जिता सकता है। तो गाइस यही हमारा कस्टम मैच जीतने का सीक्रेट था, आपको पता था कि नहीं पता था कमेंट में जरूर बताना। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको फ्री फायर के ऐसे सीक्रेट टिप्स चाहिए तो यार वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और गाइस यहाँ पर जो थंबनेल देख रहा हूँ इसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि अपने दोस्त को कंट्रोल देना तो देना कैसे है, वो खेलेगा तो खेलेगा कैसे, तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया हूँ। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।